सर्वेभ्यः सुखिन्नः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अर्थात सभी लोग सुखी रहें, सभी स्वस्थ रहें, सभी को भलाई मिले, किसी को भी दुख न आए। नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि जब भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं तो कौन कौन से संकेत मिलते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब परीक्षा खत्म हो चुकी होती है या बहुत जल्द खत्म होने वाली है तो भगवान आपको कौन कौन से संकेत देते हैं। दोस्तों, ऐसे तीन संकेत होते हैं जो आपकी परीक्षा समाप्त होने पर मिलते हैं। दोस्तों, जानने के लिए वीडियो को ध्यान से एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी खतरनाक और निष्फल होती है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में जय महाकाल जरूर लिखें ताकि उनकी कृपा आप पर सदैव बनी रहे। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का पहला संकेत है, दुख अंतिम पड़ाव पर पहुंच जाता है। आपको इतना दुखो और जो अशनीय होता है, घर ने है समय, कलेश लड़ाई और अनेकों प्रकार के नुकसान देखने को मिलते हैं। दोस्तों, जब भगवान की परीक्षा खत्म होने वाली होती है तो आपके जीवन का दुख अंतिम पड़ाव पर पहुंच जाता है। आपको लगने लगता है कि इससे ज्यादा दुख आपके जीवन में हो ही नहीं सकता। आपके जीवन के हर दरवाजे बंद हो जाते हैं। आपका जीवन ऐसी मुश्किल घड़ी से गुजरेगा कि आपको लगेगा आपसे बड़ा दुखी इस दुनिया में और कोई नहीं है, आपसे ज्यादा खराब किस्मत और किसी की नहीं है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि भगवान द्वारा ली गई परीक्षा का यह अंतिम पड़ाव चल रहा होता है और आपकी मुश्किलें भी अंतिम पड़ाव पर होती हैं। जो व्यक्ति बिना हार माने इस पड़ाव को पार करता है, उसके जीवन में सुख ही सुख आता है, उसका जीवन खुशहाल हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी भगवान की परीक्षा के अंतिम पड़ाव तक पहुंच गए हो, जहां आपके जीवन में दुखों की हद पार हो चुकी है, बस कुछ देर और इंतजार करें, सुख आपसे दूर नहीं है, आपकी परीक्षा बहुत जल्द खत्म होने वाली है। यह नियति आपको आगे बहुत कुछ देगी। वह कहते हैं, ना जब यह नियति आपको कुछ देने वाली होती है तो उससे पहले सबको आजमाती है, बस आपके साथ भी यही हो रहा है। आपको अभी हिम्मत से काम लेना होगा और कुछ दिनों बाद आप लोगों को अपनी सफलता की कहानी सुनाओगे। इसीलिए इस वक्त हार मानकर कहीं परीक्षा में फेल मत हो जाना। दोस्त, अगर आपको परीक्षा में पास होना है तो इस परीक्षा को पार करना ही होगा। दूसरा संकेत है, पूरी तरह से अकेले पड़ जाना। दोस्तों, जब आपकी परीक्षा समाप्त होने वाली होती है तो आप अपने जीवन में पूरी तरह से अकेले पड़ जाते हो। आप दोस्तों, रिश्तेदारों, सबसे अलग होकर अपनी जीवन अकेले ही जीने लग जाते हो। सभी लोग आपका साथ छोड़ देते हैं, हर कोई आपका विश्वास दौड़ता है और आपको किसी से कोई उम्मीद नहीं रहती, क्योंकि ईश्वर आपको इस परीक्षा के जरिए आपकी खुद की शक्तियों पर विश्वास करना सिखाना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि आप किसी और पर निर्भर ना होकर हर चुनौतियों का अकेले ही सामना करें। ज्यादातर लोग बने बनाए रास्तों पर भीड़ के साथ चलना पसंद करते हैं। यही कारण है कि वह लोग कुछ नया नहीं कर पाते, लेकिन जो व्यक्ति अकेले चलने में विश्वास रखता है, वही व्यक्ति कुछ नया और बेहतर करता है और अपनी लाइफ में सफल होता है। इस परीक्षा में वही लोग पास होते हैं जो लोग अकेलेपन की ताकत को समझ पाते हैं। यह आपके जीवन का महत्वपूर्ण पल होता है जब आपको स्वयं का ज्ञान होना शुरू हो जाएगा। आप खुद के साथ ही ज्यादा टाइम स्पेंड करने लग जाओगे और आप एक आत्मनिर्भर इंसान बन जाओगे। तीसरा संकेत है, आपके चरित्र में बदलाव आना। जब ईश्वर द्वारा ली गई परीक्षा समाप्त होने वाली होती है तो उस वक्त पर आपके चरित्र में बदलाव आना शुरू हो जाता है। आपको फीलिंग लेस का दुख दर्द भी महसूस होने लगता है। आपने अपनी जिंदगी में इतने धोखे खाए होते हैं कि अब आपको किसी पर विश्वास करने का मन नहीं करता, और उस धोखे से मिले दर्द को भी आप समझ पाते हो, इसलिए आप दूसरों को धोखा देना नहीं चाहते। अब आपके अंदर की फीलिंग लेस का एक्साइटमेंट खत्म होने लगता है। अगर आपके साथ भी यह चीजें हो रही हैं तो बहुत जल्द आपकी परीक्षा खत्म होने वाली है और आपका जीवन बदलने वाला है। भगवान की कृपा आप पर होने वाली है, आपके मेहनत और संघर्ष का फल आपको मिलने वाला है। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसे लक्षण मिल रहे हैं तो आपकी इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया है। तो आप अब कोई भी गलत काम, जैसे किसी को दुख पहुंचाना, किसी की मजाक बनाना, किसी की बुराई करना, जानवरों की पिटाई करना, चोरी करना और किसी को अपशब्द बोलना वाले कार्य नहीं करना है।
आप खुद पर विश्वास करें, क्योंकि अब आप परीक्षा के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। अभी आपको हार नहीं मानना चाहिए। इस पड़ाव को पार करते ही आपके जीवन में सुख ही सुख होगा और आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसके लिए आप अभी मेहनत कर रहे हो। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए